गाना गाने का शौक था, आता जाता कुछ नहीं था। किसी खाटू वाले श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई, उसने कहा रास्ते पर जुतिया चटकाते आटता है, एक बार श्याम बाबा को भजन सुना कर दे, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने पूछा कौन श्याम बाबा, उसने कहा कि चल एक कीर्तन में तुझे लेकर चलूंगा। और शायद 37-38 साल पहले उसने मुझे कलकत्ता के कीर्तन में शनिवार की रात को ले जाकर बैठा दिया। सुबह 3:30 बजे मुझे बोला बोल बाबा को, सुना बाबा को भजन। और दो तीन भजन बाबा को सुनाने का मौका मिला। महाराज के सामने झूठ नहीं कह रहा, कुछ दिन के बाद दिन बदल दिया बाबा ने। इस क्या दिया बता, इसने वो दिया कि आप जैसे श्याम प्रेमी, आप लोग जैसे बड़े लोग अगर जय श्री श्याम कह देते हो ना, तो मैं समझता हूं कि मेरे से बड़ा कृपा पात्र प्रभु का कोई और हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप अपना बेटा समझ लेना मुझे, माता जी आप अपना बच्चा समझ लेना, मेरी बेटियां, मेरी बेटी सभी छोटी छोटी बच्चियां बैठी है, मेरे बेटे समान मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे छोटे भाई बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप जो मानना मुझे, लेकिन एक ही निवेदन करूंगा, आप कीर्तन करना, विश्वास दिलाता हूं आज की रात खाटू वाला आपको वो दे जाएगा कि आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। आइए शुरू करेंगे। बस मैं निवेदन एक ही करूंगा कि आज इस दरबार में 2 घंटे जो आप अपने आप को भूल जाना, लेकिन कलकत्ता में रोज कीर्तन होता, दिल्ली में रोज कीर्तन होता, बंबई, और हम लोगों को बाबा रोज कहीं ना कहीं कीर्तन कराने के लिए भेजता है, तो हमें तो रोज कीर्तन मिलता है, लेकिन आपके इस गांव के अंदर में, आज आपके इस गांव के अंदर में मैं नहीं समझता कि रोज कीर्तन होता होगा, है ना। तो आज खाटू वाला आया है, आज इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ मत देना, आज घर की परवाह करके आज चले मत जाना, इस दरबार के अंदर में आरती कराकर जाना, आपको कहीं पीछे नहीं मुड़ने देगा, आपको कहीं झुकने नहीं देगा, इस बात की गारंटी के साथ निवेदन करूंगा। एक जयकार लगा